जो बिछड़ गए हो उनको कलेक्ट करना, परिवार से जोड़ना, खराब बात कौन कहेगा? कोई खराब कहेगा? नहीं। पहले तो अपने घर की सेवा, परिवार की सेवा करनी है या बाहर वालों की सेवा करनी है? नियम क्या कहता है? नियम तो बाबा ने बता दिया, पहले घर का सुधार, फिर पर का सुधार। जो देह अभिमानी होंगे वो देह अभिमान के आधार पर सोचेंगे, जो आत्माभिमानी परमात्मा बाप के बच्चे बन गए उनका सोच कहाँ चलेगा? है परमात्मा परिवार के प्रति उनका सोच चलेगा। बाबा कोई कोई गीता पाठशाला में ऐसे चल रहा है कि बच्चा ये कर रहा है वो कर रहा है तो नहीं आना है, तो आपस में विरोध करते हैं, झगड़ा करने को बैठ जाते, जो बाबा ने बोला उसको उसको बुलाना ही नहीं है। बाबा भी कहते हैं कोई बच्चा ऐसा है जो माँ बाप की पत गंवाने वाला है, कोई बच्चा ऐसा परिवार में होता है कि बहन को भी गंदा करने लगता है, माँ बाप देखते हैं समझाते हैं नहीं मानता है, तो बाप माँ क्या सोचते हैं? इससे तो मुआ भला, माने आप गोदी में पाल के रखना चाहते हैं। चल तो रही है लेकिन नियमानुकूल चल रही है या हम जबरदस्ती संगठन बनाना चाहते हैं? तो कोई बोलता है कि उस बच्चे को, कोई के बोलने पर जाना नहीं है। बाबा ने बोला गीता पाठशाला, श्रीमत क्या बोलती है? श्रीमत बोलती है वो करना है। हाँ जी, हमारा काम है पवित्र संगठन बनाना, भगवान का मंदिर बनाना, लक्ष्मी नारायण का घर बनाना। तो लक्ष्मी नारायण का जो घर बनाने का हमारा लक्ष्य है उसमें हम गंद होने देंगे? फिर युगर है और बच्चे ज्ञान में नहीं चलते, बाहर का रिश्ता संबंधित समस्या घर का खा पी लेते, किराए घर में गीता पाठशाला तो नहीं है। गीता पाठशाला जहाँ चलती है वहाँ बच्चे अगर ज्ञान में नहीं चलते हैं, बाहर खा पी के आते हैं, तो हमारी धारणा सिर्फ इतनी है कि बाबा ने बताया है तुम्हारा पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा, तो ये परिवार के ऐसे बच्चे हैं जो आज ठीक से नहीं चल रहे हैं, लेकिन माँ बाप की धारणा है कि आज नहीं चल रहे हैं तो कल अच्छे चलने लग पड़ेंगे, तो इसलिए दोनों तरफ तोड़ निभानी पड़ती है। और ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? देखा कि दो बच्चे थे, बड़े हो गए तब तक उनको संभाला ना ब्राह्मण परिवार में, फिर देखा कि दोनों जो हैं वो उल्टा रास्ता अपनाना चाहते हैं, एक ने तो शादी कर भी ली बाहर के रिश्तेदारों से मिलकर के, वो तो अलग कर दिया, वो दूसरा वो भी यही प्रवृत्ति, तो क्या किया? अलग कर दिया। कोई पैसा दिया क्या? एक पैसा भी नहीं दिया। और जब तक बच्चों की शादी नहीं होगी तब तक उनको रहने देना है। शादी और तुम्हारी आंखें देख रही कि वो रोज शादी कर रहे हैं? शादी क्या होती है? ढोल मजीरा थोड़ी शादी होती है, विकार में जाना माना शादी, तो उनको अलग नहीं करेंगे? हैं?
अरे करेंगे कि नहीं? करेंगे, हाँ करेंगे, हाँ हाँ। क्लास होता है, क्लास के बाद चर्चा करना चाहिए ज्ञान का ना। ऐसा क्लास होता है कि ये लोग आता जाने के चक्कर में कितना जल्दी घर जाओगे, आजू बाजू में कौन बैठता, भाई बैठता, कोई पहचानता ही नहीं। अच्छा तो क्या चर्चा करनी चाहिए? तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम बहन हो कि तुम भाई हो, क्या चर्चा करेंगे? जो क्लास हुआ है उसकी क्या करेंगे? पॉइंट का डिस्कशन करेंगे। उसका रिजल्ट कौन सुनाएगा? जो डिस्कशन हुआ है वो सही हुआ है या गलत हुआ है? वो मुखिया राइट और रॉन्ग का फैसला करेगा है? इसलिए है हाँ, मुरली में क्या पॉइंट आया? वो पॉइंट जो का त्यों क्लास में सुना देना वो तो ठीक बात है, बाकी एक एक पॉइंट को लेकर के डिस्कशन करना फिर वो तो कॉन्फ्रेंस हो गई। कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसका रिजल्ट क्या निकला वो कौन बताएगा? अच्छा रिजल्ट निकला या खराब रिजल्ट निकला? हाँ तो कोई बात नहीं, पूछ ले क्लास में जो अच्छे अच्छे होशियार हैं वो समाधान करें। समाधान हो जाता है सबको तो ठीक, नहीं होता है तो आगे बढ़ो। अरे क्या ब्रह्मा बाबा मर गया है? ब्राह्मणों की दुनिया में ब्रह्मा मर गया क्या? नहीं। और बाबा कोयल भी काली होती है और कौवा भी काला होता है हाँ? लेकिन कोयल अपना बच्चा खुद पैदा नहीं करती है हाँ? सोवे से पैदा करती है हाँ? सोवे के द्वारा पैदा करती है ना? कौवे के द्वारा पैदा नहीं करती, पैदा तो कोयल नर कोयल के द्वारा ही पैदा होता है लेकिन अब पालन नहीं करती है क्या? वो पालना नहीं करती है अपने बच्चे की, पालना करने के लिए कौवे के घोंसले में छोड़ देती है। कौवे तो मालूम है ज्ञान में कौन है आ? कौन है? काँव काँव करने वाले, खुद गंध खाने वाले, काँव काँव करके हम भी खा रहे हैं तुम भी खाओ, आगे आ जाओ जल्दी जल्दी, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार के बदले ब्रह्मा कुमार बन जाओ, अम्मा कुमार बन जाओ, बुलाते हैं कि नहीं हैं? बुलाते हैं ना, किस लिए बुलाते हैं? हम भी खाएं तुम भी खाओ, ऐसी दुनिया बनाओ। तो कौओं की दुनिया तो मालूम है कि ब्राह्मणों की दुनिया में कौन सी है, काले कर्म करने वाले कौए ही होंगे ना है? उनकी भाषा मीठी लगेगी सबको या कड़वी लगेगी है? उनकी भाषा कैसी होती है? बुद्धिवादी होती है, है बुद्धि का कोई पुट नहीं होता है। और कोयल की आवाज है, कोयल की आवाज मीठी होती है लेकिन देखने में कोयल काली होती है, उसके मुख से जो निकलता है वो अच्छा लगता है लेकिन कोयल स्वयं काली होती है, और वो काली कोयल उसके जीवन की यही मर्यादा है कि बच्चों को पैदा तो करती है लेकिन पैदा करने के बाद उनको पालती नहीं है। अरे सब ब्राह्मणों की दुनिया में दिखाई नहीं पड़ता है, है? नहीं दिखाई पड़ता कौन है? अरे
कौन है? हाँ, बच्चे पैदा तो ढेर किए लेकिन पैदा करने के बाद उनकी अंत तक पालना नहीं की। पालना उनकी कहाँ हो रही है? कहाँ पालना हो रही है? काँ 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 काँ। अब उनमें देवी देवता सनातन धर्म के पक्के कौन कौन है ये तो अभी पता नहीं चलता, वो अंदर की बात है। कि नई दुनिया के प्रति जो स्थापन हो रही है उसके प्रति भावना रखने वाले सूर्यवंशी कौन बच्चे हैं? वो मानसिक पालना ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं? ये सबके अपने अपने अंदर की बात है। हाँ, भक्ति के बारे में कहा है। हाँ, उनको सेवा करो बोलेंगे तो बोलेंगे कि हमारे हाथ में ही है। हाँ? और उड़ने के लिए बोलेंगे तो पंख नहीं है। हाँ? तो वो ऊंट पक्षी के पेट में 6 महीने तक पानी रहता है। हाँ? तो ये ज्ञान जल 6 महीने तक रहता है, इसका क्या कैसा रहता है? जो इस्लाम धर्म की बीज रूप आत्माएं हैं वो सतयुग के आदि से सतयुग की पहली पीढ़ी में पालना और जन्म लेती है कि नहीं लेती है? है? तो समझ में आ गया ना कि नहीं? अरे और त्रेता के अंत तक पलती है कि नहीं पलती है? और उनको भी कर्म का लेकर करता है तो वो तीन होते हैं। जितने भी प्राणी हैं वो नंबरवार बुद्धिमान हैं या एक जैसे हैं? हाथी में बहुत बुद्धि होती है और जानवरों के मुकाबले, बंदर की अपने तरह की बुद्धि होती है, ऐसे नहीं कहेंगे सब में एक जैसी बुद्धि होती है सब जानवरों में। गधे में है? गधे में कहते हैं कि बहुत कम बुद्धि होती है, बुद्धिहीन कहा जाता है। तो ये थोड़े ही कहेंगे कि जानवर सब एक जैसे होते हैं, जानवरों में भी नंबरवार हैं। जैसी जैसी जिनकी बुद्धि की स्टेज, ऐसी ऐसी स्टेज परमधाम में प्राप्त करेंगे। कोई ऊंची स्टेज में जानवर होंगे और कोई जानवर नीची स्टेज वाले होंगे। उनकी बात बाद में करो, पहले बच्चों को लो जो मनुष्यों के बच्चे हैं। जो मनुष्यों के बच्चे हैं पाप कर्म कर देते हैं उनको लेप छेप लगता है कि नहीं है? उतना ही लगता है जितना बड़े पाप करते हैं या कुछ कम लगता है? क्यों कम लगता है? क्योंकि बुद्धि परिपक्व नहीं बनी है, इसलिए बच्चों को भी जेल में डाला तो जाता है, उनको अच्छी तरह से पालना दी जाती है जेल में भी, उनका उतना ज्यादा पाप नहीं है जितना बड़ों का पाप बनता है। ऐसे ही यहाँ जानवरों के हिसाब में भी है। हाँ, ये जरूर है कि मनुष्य बौद्धिक प्राणी होने के कारण वायुमंडल को बना सकता है और बिगाड़ भी सकता है। अच्छा वायुमंडल भी बना देगा और बुरा वायुमंडल भी बना देगा। और जानवर तो मन बुद्धि
हाँ बुद्धिशील प्राणी नहीं कहे जाते हैं, इसलिए उनके ऊपर जिम्मेवारी नहीं है वायुमंडल बनाने की या बिगाड़ने की। इसलिए भगवान किसको पढ़ाने आता है? मनुष्यों को पढ़ाने आता है। मनुष्य जब पढ़ाई पढ़ जाएंगे तो मन को एकाग्र करने की प्रक्रिया से वायुमंडल को बांधेंगे, और वायुमंडल के बंधने से जो भी प्राणी उस वायुमंडल में रहते हैं उनकी बुद्धि भी बंधायमान होने लगेगी। इसलिए शास्त्र में गायन है कि ऋषियों मुनियों के आश्रम में, सप्त ऋषियों के आश्रम में शेर बकरी एक घाट पानी पीते थे। वो सप्त ऋषियों के आश्रम है कहाँ की बात? यहाँ की बात। हाँ में ऐसी कौन सी बात है जो बदनाम है? और भी तो जानवर ऐसे चिकन में जाती है, गधे में ऐसी कौन सी बात है जो ज्यादा बदनाम है? हाँ और भी जानवर है जो चिकन में जाते हैं, जैसे भैंसा है और भी। हाँ गधे को वो जल्दी जल्दी मिट्टी में लौटता है, और जानवर इतनी जल्दी मिट्टी में नहीं लौटते हैं। नहीं मालूम ये बात? नहीं मालूम थी क्या? अरे वो तो लोटा है तो लोटा ही चला जाता है, वो बार बार लौटता है, फिर उसको स्नान कराया फिर लौट जाता है। भैंसा तो कीचड़ में पड़ा हुआ है तो पड़ा ही हुआ है, उसकी तो वो जिंदगी है कीचड़ में लेटने की। गधे के लिए गायन है, उसको दिन में 20 बार नहलाओ तो भी क्या करेगा? देह अभिमानी की मिट्टी में लौटेगा जरूर। शंकर भगवान पार्वती माता को कथा सुना रहे थे, शुक्रानी है वो सुनी है, और शंकर भगवान पता चल गया उनकी टीके डोड़े बोले तो क्या पता चल गया? वो सुन रहा था कथा, तोता तोता का, हाँ कथा सुन रहा था। तो जनक राजा के चला गया बोले, तो उसका देश का राज्य है तोता। जनक राजा के मुंह में चला गया बोले, हाँ अपने बता दिए तो उसका देश का राज्य प्रवेश कर गया। तोता की बात, जो तोते हैं वो अंदर मधुवन में बैठ करके नहीं रहते हैं, जाते हैं आते हैं, जाते हैं आते हैं। और कबूतर, कबूतर वहीं बैठ के रहते हैं, वहीं खाते हैं पीते हैं सोते हैं, और वहीं गंध भी सर के ऊपर ही गंध करते हैं। और ज्ञान सुनने के नाम पर सिर्फ हुंकारा भरते हैं धोखा देने के लिए, बाकी ज्ञान सुनते नहीं है। और पार्वती सो जाती है और तोते सुनते हैं, थोड़ी भी कथा सुनते हैं, पूरा जीवन भर बैठ करके नहीं सुनते, थोड़ी भी सुनते हैं तो कंठ में धारण कर लेते हैं। कंठी वाले तोते होते हैं ना, तो कंठ में धारण कर लेते हैं। जो कंठ में धारण की हुई ज्ञान की बातें हैं वो दिखाया है शास्त्रों में कि जनक राजा के कंठ में प्रवेश हो गया। कंठ में प्रवेश हो गया माने वो ऐसी आत्माएं जो घर गृहस्थ में रहने वाली है, थोड़े समय जाकर के भगवान से ज्ञान सुनती हैं सन्मुख, और बाहर जाकर के सारी दुनिया में प्रचार प्रसार करती हैं। उनके लिए दिखाया गया कि राजा जनक जैसे जो निर्मोही आत्माएं हैं उनमें प्रवेश करके ज्ञान का डोज देती है। ये भी देखना पड़े कि संसार में लिप्त बुद्धि किसकी है और निर्लिप्त किसकी है। वानप्रस्थी अवस्था वालों को ज्यादा ज्ञान सुनाना है कि जो नौजवान हैं उनको पहले ज्ञान सुनाना है? जो वानप्रस्थी अवस्था वाले हैं उनको ज्ञान सुनाने से कुछ खरतेल निकलेगा। और आवाहन करने में
और कशिश करने में क्या अंतर है? आवाहन किया जाता है और कशिश की नहीं जाती है, ऑटोमेटिक होती है कशिश, ये अंतर है। तो विजयमाला का आवाहन करने के लिए बोला गया है क्या? ऑटोमेटिक कशिश होती है ये नहीं कहा गया? ऑटोमेटिक कशिश किसको होगी है? हाँ, जगदम्बा के लिए कहा है कशिश करनी है। ये तो आप मन की बात निकाल रहे हैं, मनमत निकाल रहे हैं, या श्रीमत की बात बोल रहे हैं? मतलब मैं खुद पूछ रही हूँ। क्यों पूछ रहे हैं? मतलब कैसे? कैसे? अरे सीधी सी बात है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? है नारी से लक्ष्य बनना, तो कशिश किसकी करनी है? तब क्यों पूछ रहे हैं? अगर कशिश होती है तो जिसके प्रति कशिश होती है उस कशिश से साबित होता है कि हमारा जन्म जन्मांतर का पार्ट उसके नजदीक है, दूर नहीं है। और ब्राह्मण से देवताएं ऊंचे हुए, ब्राह्मण बन के बाद में देवता बनना पड़ेगा। बड़ी मुसीबत आ गई। हाँ, जो संपूर्ण ब्राह्मण सो देवता, इसलिए यादगार में ब्राह्मणों की भी पूजा की जाती है। इसलिए पूजते हैं, इसलिए पूजते हैं कि ये ब्राह्मण देवता बनने वाले हैं, ये संपूर्ण ब्राह्मण हैं, ये नीची कोटि के नीची कुरी वाले ब्राह्मण नहीं है। संपूर्ण ब्राह्मण जो होते हैं वो ही देवता बनते हैं। बाकी देवता ऊंचे हैं या ब्राह्मण ऊंचे हैं, ये तो सीधी सी बात है। कौन ऊंचे हैं? ब्राह्मण ऊंचे हैं, क्यों? उनको बाप मिला हुआ है, बाप का ज्ञान है, और देवताओं को तो बाप का ज्ञान ही नहीं, देवताओं को अपने 84 जन्मों का ज्ञान ही नहीं, और ब्राह्मणों को तो अपने 84 जन्मों का ज्ञान पैदा हो जाता है। तो जीवन किसका ज्यादा अच्छा है? स्वर्ग का जीवन उतना अच्छा नहीं है, वो मन बुद्धि से उतनी ऊंची कोटि का सुख नहीं भोगेंगे जितनी ऊंच कोटि का सुख हम ब्राह्मण भोगेंगे। इसलिए स्वर्णिम संगम युग जो है वो ऊंचे से ऊंचा पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। नहीं तो पुरुषोत्तम सतयुग के देवताएं भी हैं 16 कला संपूर्ण। क्या उत्तम तो है लेकिन सब में उत्तम नहीं है। और फोन आया था माया बुद्धि में प्रवेश करके कशिश करके, मुझे माना कुछ आत्मा होती है क्या? तुमने वायु है, माया बेटी कहते हैं तो कोई आत्मा नहीं है, और उस बेटी का कोई बाप नहीं है। अरे नहीं है, जब बेटी कहते हैं तो कोई ना कोई पार्टदारी है ना, जो बेटी का तो पार्ट बजाता है
लेकिन अंदर से नियत थोड़ी खराब है बाप के प्रति, तो माया पति भी कहा जाता है और माया बेटी भी कहा जाता है। इसमें भगवान का दोष है या नहीं है? है? अरे अरे इसमें भगवान का दोष है या नहीं है? है? क्यों नहीं है? है? अरे बाप तो बाप है, उसे बेटी को कंट्रोल कर लेना चाहिए। है? हाँ, बाप जानता है, हर पार्टधारी की कदर करता है। जो भी जैसा ड्रामे में पार्टधारी है, बाप जानता है कि इसका ड्रामे में कोई दोष नहीं है, ये इसका पार्ट नुधा हुआ है, इसलिए उससे काम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए तो लेते हैं। मुसलमान लोग माताओं को अंदर मस्जिद में क्यों नहीं आने? मुसलमानों की दृष्टि माताओं के प्रति माता की रहती है कि घरवाली की रहती है? है? घरवाली की रहती है। और मस्जिद में अल्लाह मियां का वास मानते हैं कि किसी दूसरे का? अल्लाह मियां का वास मानते हैं, और अल्लाह का मियां कहते हैं। अल्लाह को क्या कहते हैं? मियां। अब वो किसका मियां बनेगा? है? तो उन्हें डर लगता है कहीं ऐसा ना हो मस्जिद में जाए और वास्तव में मियां बन के बैठ जाए, इसलिए अपनी बीवी को मस्जिद में नहीं जाने देते। तो माताएं भी कुछ बोलती नहीं बाबा उनको ऐसा कि हम है ऐसे कहते नहीं कि हमारा भगवान का मंदिर हम बोले चलो क्या ऐसा कुछ कहते नहीं कि डॉक्टर को विरोध करते नहीं क्या? विरोध माता भाई को विरोध नहीं करते हैं। जो काला लबादा पहने हुए हैं वो महाकाली का रूप है या महागौरी का रूप है? काले कर्म करने वाली है इंद्रियों से, तो इंद्रियों को ढांक करके रखना है या सबको दिखाना है देखो हमारी इंद्रियां ऐसी हैं? क्या करें? ढक के रखती है। उनकी इच्छा नहीं होती है। वास्तव में बात तो ऐसी है कि हर पत्नी अपने पावरफुल पति के संग के रंग में रंग जाती है। जब तक उसके अंडर में है जैसे चलाएगा वैसे चलेगी। और मुसलमान तो बहुत ही ज्यादा कंट्रोल करते हैं, हिंदू तो फिर भी अर्धांगी नहीं मानते हैं, क्या आधा हिस्सा मानते हैं। मुसलमानों में ऐसे नहीं है। हाँ, चार चार पत्नियां करनी है जिंदगी में, सबको आधा आधा देते जाएंगे तो क्या बचेगा? है? अब उनके बारे में मनन चिंतन मंथन करो, फिर हमें बाद में बताओ, हमें तो पता नहीं। हाँ, है? है? ये आवाहन और कशिश हो गया। ये प्रश्न आया है, आनंद की परिभाषा क्या है? आनंद या आंद? आंध्रा आनंद, नंद माने खुशी, नंद माने नंद आयाती, नंद
किसका नाम है, प्रसिद्ध नाम है, है? कृष्ण के बाप का नाम है नंद। तो नंद माने खुशी देने वाला, और आनंद माने खुशी देने वाला आ गया। तो कौन हुआ आनंद है? सच्चिदानंद कहा जाता है, सत्य चित्त आनंद कहा जाता है। कौन हुआ? शिव, वही है असली आनंद। और है बुद्धि चल रही है, तौल रहे हैं कौन ज्यादा अच्छा है, है? महाभारत में युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव को पांच पत्नी दिखाई जाती है, भीम को दो पत्नी और अर्जुन को कई पत्नियां दिखाई जाती हैं। इसका वेद का अर्थ क्या है? अरे सीधी सी बात है, पांडव किसके बच्चे हैं? पंडा बाप के बच्चे हैं। पंडा बाप आकर के क्या सिखाता है पांडवों को? अरे है राजयोग सिखाता है, और राजयोग सिखा करके जन्म जन्मांतर का क्या बनाता है? राजा बनाता है। तो सतयुग त्रेता में तो एक ही पत्नी होती है। जो भी पांडव होंगे सतयुग त्रेता में जाएंगे कि नहीं, तो एक ही एक पत्नी होगी 21 जन्म, या कम ज्यादा होंगी? वहां तो एक ही होगी, उसके लिए हमारी बुद्धि नहीं चलती क्या? उस एक जन्म के लिए हमारी बुद्धि, हम क्यों माथा कपटी करें? एक जन्म से हमें संतुष्टि नहीं है, हमें तो वो चाहिए जहां ज्यादा पत्नियां होती हैं। तो पांचों पांडवों में तीन को तो पांच पांच पत्नियां दिखाई गई हैं, भीम को सिर्फ दो ही दिखाई गई है, और अर्जुन को ढेर की ढेर पत्नियां दिखाई गई हैं। अब इसमें भी कोई अर्थ है क्या? है इसमें कोई गुह्यार्थ है क्या? है? अरे द्वापर युग से कोई राजाओं को कम पत्नियां होंगी, कोई को जास्ती पत्नियां होंगी। बड़े राजाएं हुए होंगे तो ज्यादा पत्नियां होंगी, छोटे राजाएं हुए होंगे तो थोड़ी पत्नियां होंगी। युधिष्ठिर जैसे धर्मी कर्मी होंगे तो उनकी लिमिट दिखा दी, युधिष्ठिर की, सहदेव की और क्या नाम, नकुल की। अर्जुन को अनेक पत्नियां दिखा दी है, तो ज्यादा राजयोग कौन सीखता है? है ज्यादा बाण विद्या में तीखा तो अर्जुन ही जाता है। किसके रथ में भगवान आते हैं? अर्जुन के रथ में आते हैं, तो वो तो ढेर की ढेर फायदा हो जाएंगी, कोई बड़ी बात है क्या? है बड़ी बात है? तो कोई बड़ी बात नहीं।
भीम को दो पत्नियां दिखाई है, क्या कौन कौन सी दो पत्नियां है? हिडम्बा और द्रौपदी। तो भीम सबसे ज्यादा ताकतवर है, तो दो ही क्यों दिखाई? उनमें भी ज्यादा यादगार किसकी है भीम के साथ है? ज्यादा सहायता द्रौपदी की किसने की? भीम ने की। और पांडव चुप्पी साध के बैठ जाते, और भीम द्रौपदी का दुख सहन नहीं कर सकता, चाहे कीचक हो और चाहे दुर्योधन दुशासन कौरव हो, उनकी सुरक्षा पांच पांडवों के बीच जितना भीम ने की है उतना और किसी ने नहीं की। ये कैटेगरी दिखाई गई है ब्राह्मणों की, सो देवताओं की, सो राजा बनने वालों की। बाकी तो ये कथाएं हैं कि भीम को दो ही पत्नियां थी, अर्जुन को ढेर पत्नियां थी। असली बात तो ये है जो जितना ताकतवर राजा हुआ है द्वापर युग से, वो उतना सक्षम होने के कारण ज्यादा से ज्यादा परिवारों को संतुष्ट करता था। उसमें धर्म की बात भी आड़े आती है। कुछ राजाएं जरूर ऐसे हुए हैं जो धर्म को विशेष आगे रखते रहे। जैसे दुर्गा दास एक राजा हुआ, विशेष सदाचारी था, युद्ध में यवनों की ढेर पत्नियां हाथ में आ गई, फिर भी उसने क्या किया? उनको ज्यों का त्यों उनके घरों में वापस भेज दिया। तो हर प्रकार के राजाएं दिखाए गए हैं। शास्त्रों में तो कपोल कल्पित गथाएं गाथाएं हैं, ज्यों का त्यों उनका अर्थ नहीं लगाया जा सकता। बाबा तो कहते हैं कि आटे में नमक मिसल सच्चाई है, बाकी शास्त्रों में साफ गल्प कथाएं हैं। और राजा ही कर्म के आधार पे होनी चाहिए कि जन्म के आधार पे? महाभारत में तो जन्म के आधार पे दिखाई है। महाभारत हो चाहे रामायण हो चाहे और कोई ग्रंथ हो, वो तो मनुष्यों ने लिखे हैं, लेकिन चाहिए का जहाँ सवाल होता है वहाँ श्रीमत बीच में आएगी या मनुष्यों की मत आएगी बीच में है? क्या होना चाहिए? जन्म के आधार पर राजाई होनी चाहिए या कर्म के आधार पर होनी चाहिए? बाबा तो कर्म करना सिखाते हैं। कर्म अकर्म विकर्म की गति किसने सिखाई? बाबा ने आकर सिखाई। तो ऐसे कर्म करना है जिससे हम जन्म जन्मांतर सत्युग त्रेता में तो राजा बने, लेकिन जो गिरती कला के युग हैं, द्वापर युग और कलयुग, वहां भी हम राजाई प्राप्त करें। लेकिन वो राजाई
पूर्व जन्म के जो कर्म है उन कर्मों के आधार पर अगले जन्म में राजा ही मिलती है। ऐसे नहीं कि हमने संगम युग में जो किया है, शूटिंग तो होती है लेकिन उस शूटिंग के हिसाब से द्वापर और कलयुग में जन्म भी वैसे ही, वो कर्म भी वैसे ही करते हैं। जिन कर्मों के आधार पर कोई राजा बनता है, कोई रंक बनता है। हाँ पापा, पापा नहीं होते हैं तो पापा और कलयुग में सात जन्मों का उनका बंधन बन सकता है, है? चार छह जन्मों तक, सात जन्मों तक, तो सात जन्मों की बात कर रहे हैं बाबा, तो 21 जन्म की बात कर रहे हैं। अच्छा वो तो बाप बनाते हैं, लेकिन द्वापर कलयुग में क्या अनेक जन्मों का बंधन हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? पार्वती के लिए तो गायन है, क्या गायन है कि जितने भी जन्म मेरे हो स्त्री चोले में, या तो मैं उस एक ही आत्मा का वर्णन करूं पति के रूप में, और नहीं तो सन्यासी बन जाऊं, वो अच्छा। बाबा जो अन्य दूसरी आत्माएं उनका ऐसा हो सकता है? अरे एक का हो सकता है, दूसरों को क्यों नहीं हो सकता है? एक का 100% हो सकता है तो दूसरों का 99% नहीं हो सकता है? भक्ति मार्ग में तो सुना था मैंने, है भक्ति मार्ग में सारे कुर से बे पानी फिर लगा, कुर से बे सब पानी फिर लगा, पानी पानी हो गया था पूरी पूर्ति में। भक्ति मार्ग में दिखाते हैं सारी सृष्टि में पानी पानी हो गया, फिर पानी होने के पहले कृष्ण भगवान को मालूम ना, भगवान ने क्या करा, फिर उसको नाव बना लिया, फिर उसने मच्छी का अवतार लिया बड़ा, जो पहले उसने घर में डाले को छोटी मच्छी थी, फिर इतनी बड़ी हो गई, की बात है कहाँ घुसना शुरू कर दिया। अरे तुमने टीवी देखा होगा तो टीवी का बात का बतंगर क्यों बना रहे? समुद्र में डाल के वो माथा का अवतार लेके वो नाव आया, मत्स्यावतार की बात कर रहे हैं। जितने भी अवतार हैं उनमें बाबा बोलते हैं कच्छ मच्छ अवतार, कछुए का अवतार, और मत्स्य, मत्स्य माने माछले का अवतार। उसके बारे में ये कथा है शास्त्रों में कि एक ऋषि या एक राजा स्नान करने गए तो उनके कमंडल में एक मछली आ गई, घर जाके देखा तो मछली बड़ी हो गई, कमंडल में समाये नहीं रही थी तो उन्होंने बड़े पात्र में रख दिया, तो दूसरे दिन देखा तो वो बड़ा पात्र भी भर गया, पानी बाहर निकलने लगा, मछली बड़ी हो गई, फिर उन्होंने उसको बड़े टब में डाल दिया, वहां भी टब भर गया, फिर तालाब बनवाया, उस तालाब में डाली, वो तालाब से भी बढ़ गई, फिर उन्होंने उसको नदी में छोड़ दिया, जिस नदी में छोड़ा उसका जो घाट था वो सारा भरने लगा, आखिरी परेशान होकर के उन्होंने उसको सागर में छोड़ दिया। अब बताओ ये कौन सी मछली हो सकती है जो इतना विशाल रूप धारण करती जाती है? उसका नाम पृथ्वी भी दिया है, पृथ्व्या, विशाल होती जाती है,
रहती है, उसका जीवन कहाँ है? ज्ञान जल ही उसका जीवन है। ज्ञान के आधार पर कोई भी विद्वान पंडित आचार्य या दीदी दादी दादाएं उसका मुकाबला नहीं कर सकते। इतना विशाल रूप धारण करती है कि सारी दुनिया को चपेट में लेती है। उसका प्रभाव संसार में बढ़ता जाएगा। आखिरीन कहाँ जाके शांत होगी? सागर में शांत हो जाएगी। उसको डूबी जा के रूप में भी दिखाई दिया है। देवियों की पूजा करते हैं, बड़े बड़े भव्य मंदिर भी बनाते हैं, बहुत महानता दिखाते हैं, और फिर बाद में सागर में डुबो देते हैं। सिख धर्म की कन्याएं माताएं बहने पंजाबी ड्रेस क्यों पहनती हैं? सलवार कुर्ती दुपट्टा। और हिंदू धर्म में कन्याएं माताएं बहने साड़ी ब्लाउज क्यों पहनती हैं? कोई बताएगा इसका अर्थ? है? अरे अरे सिख हिंदू हैं या कोई दूसरे धर्म के हैं? हिंदू ही तो हैं। फिर उनके पहनावे में हिंदुओं के मुकाबले इतना फर्क क्यों है? इसका कारण बुद्धि में नहीं आता है? कैसे धर्म के संग में आते हैं ना? कैसे बौद्ध धर्म से निकल जाए ना? है बौद्ध धर्म से शिव धर्म निकल जाए। हाँ और क्रिश्चियन धर्म भी बौद्ध धर्म से निकल जाए। नहीं सिख हैं कौन से प्रदेश के वासी? है पंजाब। पंजाब देश ऐसा देश है जहाँ आज से लेकर के द्वापर के आज से लेकर के अंत तक अलेक्जेंडर जैसे विदेशी, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गोरी जैसे आक्रांताएं, चाहे वो इस्लाम धर्म के हों, मुस्लिम धर्म के हों या क्रिश्चियन धर्म के हों, वो आक्रमण करते रहे भारत के ऊपर। और पहले पहले भारत के ऊपर उन्होंने आक्रमण किया या पहले पंजाब में आक्रमण किया? है पंजाब बीच में पड़ता है और पंजाब में उनको उनसे विशेष टक्कर लेनी पड़ी। लंबे समय तक उनके संघ में भी रहे, क्योंकि भारत देश ऐसा मात्र देश है जो किसी को धक्का नहीं देता है। तो लंबे समय तक संघ के रंग में विदेशियों के आते आते उनकी वेशभूषा बदल जाती है, इसलिए सलवार कुर्ती और दुपट्टा पहनने लगे। साड़ी पहनने से उतना सुरक्षित शरीर नहीं रहता है,
भागने दौड़ने में, और सलवार कुर्ती में खूब भागो दौड़ो। तो सलवार कुर्ती जो है वो उनके संग के रंग में ज्यादा आने की निशानी है। भारतवासी उतने संग के रंग में नहीं आए जितने पंजाबी विदेशियों के मुसलमानों के संग के रंग में आए। इसलिए उनकी ड्रेस है ऐसी। बाकी भारत में तो अभी भी साड़ी ही पहनना अच्छा समझते हैं। और मूल पवित्रता है बाप को एक व्यक्ति स्वरूप में पहचान। मूल पवित्रता है बाप को एक व्यक्ति स्वरूप में पहचानना। हाँ, ये है पवित्र बुद्धि की निशानी कि बाप सुप्रीम सोल ऊंचे से ऊंचे है, ऊंचे से ऊंचे पार्टधारी है, तो ऊंचे से ऊंचे में ही आवेगा। ये बात को पहचान लेना, उस ऊंचे से ऊंचे को, ये बाप के ज्ञान की बड़ी से बड़ी परीक्षा है। और मूल पवित्रता भी इसी आधार पर है, है? मूल पवित्रता जो है, है वो भी इसी आधार पर है कि शिव को जो है एक व्यक्ति स्वरूप में पहचानना। कुछ आत्माएं ऐसी भी तो हैं जो जन्म जन्मांतर पवित्र रही है, जो जन्म जन्मांतर पवित्र रही है उनको बाप की पहचान पहले मिल जाए, ये जरूरी है क्या? जरूरी नहीं। जो अपवित्र रही है जन्म जन्मांतर उनके लिए जरूरी है, जो जन्म जन्मांतर के गंदे कपड़े हैं उनके लिए जरूरी है कि वो लक्ष्य सोप को पहचाने। पवित्रता का जब परिभाषा दिया जाएगा बाबा, है पवित्रता का जब परिभाषा दिया जाएगा, हाँ, तो वो शिव बाबा को पहचानने पर ही होगा ना। इसका मतलब अगर लक्ष्मी की आत्मा ने अभी पहचानने का प्रूफ नहीं दिया है तो अपवित्र है। आत्माएं जो समझती है बाबा जो मुरली में कहते हैं उस बात की, क्योंकि बाप जो है वो एवर प्योर है, है? और उस एवर प्योर की जो वाणी है उसको समझने की क्षमता जो है वो क्षमता भी कहीं ना कहीं पवित्रता को साबित करती है। समझ लेना भी बड़ी बात नहीं है, सुन लेना भी बड़ी बात नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में धारण करके दिखाना ये बड़ी बात है। धारण भी तो होगा, उसके बाद ही जब समझी जाएगी उस बात को। रुद्रमाला इस बात में आज पीछे है। कोई आत्माएं ऐसी होती है कि सुनने के साथ समझती भी है और समझने के साथ ही साथ धारण भी कर लेती है, और धारण करने के साथ साथ उनके संग के रंग में आने वाली आत्माएं भी उनकी भी साथ साथ सेवा होती रहती है। बाबा ने बताया प्योरिटी से यूनिटी बनती है। तो जो बाबा का जो परिवार अब जो बना है, अभी जो परिवार बना है वो जन्म जन्मांतर का पवित्र परिवार है, अभी जो परिवार बना है वो जन्म जन्मांतर का सारा परिवार पवित्र परिवार है, या और धर्मों से प्रभावित होने वाला और धर्मों का छिलका चढ़ाया हुआ परिवार है, है? और धर्मों का छिलका चढ़ा हुआ है। परंतु बाबा आज जो यहाँ पर जो परिवार का संगठन बनता है वो किस आधार पे, किस पवित्रता पे बनती है?
जो अभी संगठन बन रहा है वो सिर्फ ज्ञान के आधार पर तैयार हो। माला में माला संगठन को कहा जाता है, माला माने संगठन। और जो संगठन रूपी माला है उसमें दो प्रकार के धागे होते हैं, एक स्नेह का धागा, उसे पवित्रता का धागा भी कह सकते हैं, और एक है ज्ञान का धागा। माना जो संपूर्ण माला बनती है उसमें रुद्रमाला का धागा भी है, जो ज्ञान के आधार पर बाप की बातों के आधार पर आपस में बंधे हुए हैं, जो बोला भी है वाणी में रुद्रमाला के मन के दिल से मिले हुए नहीं है। क्या दिल से आपस में मिले हुए नहीं है, मजबूरी से मिले हुए हैं। कौन सी मजबूरी है? बाप का ज्ञान बीच में आ गया। एक जैसी बाप का ज्ञान बीच में है। बाबा ने ये भी तो बताया है कि मुझको सर्वव्यापी कहने से तुम बच्चों की दुर्गति हुई है, विघटन हुआ है। संगठन बनने का जो मूल स्वरूप है जैसी बाप का ज्ञान ही होता है। ज्ञान नहीं है, ज्ञान के आधार पर, पहचान के आधार पर याद है। याद करेंगे तो पवित्रता आएगी। जिन्होंने जितना जास्ती याद का स्टॉक बढ़ा लिया उनकी बुद्धि उतनी ही जास्ती पवित्र होगी, और वो पवित्र बुद्धि उतनी ही जास्ती यूनिटी भी बनाएगी ज्ञान के आधार पर। बाकी प्योरिटी रुद्रमाला में कहां? नहीं, ज्ञान का फोर्स है। ज्ञान का धागा जो है वो आत्माओं को बांधे हुए है। अगर दुर्गति दिखाई पड़ती है या विघटन दिखाई पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं वो फोर्स को आत्मा समझ नहीं पा रही, ये साबित हो जाता है, या कहीं ना कहीं एक व्यक्ति स्वरूप से दूर रहा है, ये तो साबित हो जाता है। ज्ञान जो है वो पवित्रता की ओर ले जाएगा या अपवित्रता की ओर ले जाएगा? ज्ञान पवित्रता की ओर ले जाएगा और अज्ञान अपवित्रता की ओर ले जाएगा। अभी क्या हो रहा है कि बातें बढ़ती चली जा रही है, वार्तालाप भी प्रश्नोत्तर भी बढ़ता चला जा रहा है, ज्ञान की बाढ़ जैसे आती जा रही है। बात में से खाल, खाल में से बाल निकलता चला जा रहा है कि नहीं? तो जितनी जितनी बाढ़ आती जा रही है उस बाढ़ के साथ साथ हरेक व्यक्ति की बुद्धि के अंदर देह अभिमानी की धूल की मिट्टी भी मिक्स होती जा रही है। कोई भी नदियों में जितनी भी बाढ़ आएगी, मैदानी नदियों की बात है, पहाड़ी नदियों में भी मिट्टी होती है, जितनी जास्ती ज्ञान जल की बाढ़ आएगी तो जल दूषित होगा, मटमैला होगा, देह अभिमान से भरपूर होगा या स्वच्छ जल होगा? देह अभिमान से भरपूर होता जा रहा है। बाबा ने बताया दुनिया की हर चीज सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो होती है। तो ज्ञान भी, ज्ञान का जितना विस्तार होता जा रहा है, कितने प्रश्न निकलते हैं, कितने प्रश्नों का समाधान होता जा रहा है, तो उतना उतना प्रदूषण बढ़ेगा या घटेगा? है बढ़ रहा है। जब विनाश होगा तो नदियां भी बहुत बाढ़ लाएंगी, बरसात भी बहुत होगी, सूर्य गर्मी भी बहुत उगलेगा और भूकंप भी बहुत आएंगे, पांचों तत्व तो विकराल रूप धारण करेंगे, विनाश करेंगे या स्थापना करेंगे? तो जो पांच तत्व रूपी देवताएं हैं
वो अभी एडवांस पार्टी में है या नहीं है, और वो विकराल रूप धारण करेंगे। माया तो पहले से ही विकराल होती जा रही है, अभी तो प्रकृति से हाथ मिला लिए है, तो माहौल बिगड़ता जाना चाहिए या अच्छा होता जाना चाहिए? बिगड़ता जा रहा है, इसलिए बोला जल्दी जल्दी आवाहन करो। क्या अपनी खैरियत चाहते हो तो क्या करो, आवाहन करो। तो यूनिटी बढ़ेगी, और जितनी जितनी यूनिटी बढ़ेगी, शहद की मक्खियों की रानी आने के कारण उतना उतना उमंग उत्साह भी बढ़ता जाएगा। अभी दिन दूना रात चौगना उमंग उत्साह घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा है। कमजोर आत्माओं में घट रहा है या पावरफुल आत्माओं में घट रहा है? है? कमजोर आत्माओं में घट रहा है। और बाबा ने बोला कोई ऐसे भी हैं पुरुषार्थी बच्चे कि जितना माया प्रबल रूप धारण करती है, विकराल रूप धारण करती है, उतना ही उनका पुरुषार्थ भी प्रबल होता जाता है। तो मुट्ठी भर है या ज्यादा है? मुट्ठी भर है। जैसे बाहर की दुनिया में गरीब गरीब होते जा रहे हैं और साहूकार साहूकार होते जा रहे हैं, दुनिया के इस बढ़ते हुए क्रम को कोई में ताकत है जो रोक दे? है? कोई तरीका ऐसा निकला जो इस परंपरा को रोक सके? कौन सी परंपरा है? साहूकार साहूकार होते जा रहे हैं और गरीब गरीब बनते जा रहे हैं, गरीबों की संख्या बढ़ती जा रही है और साहूकारों की संख्या है बढ़ रही है घट रही है? है? बढ़ रही है कम हो रही है? ऐसे ही बेहद की ब्राह्मणों की दुनिया में ज्ञान धन की भी बात है। यहां निराली बात यह है कि जितना दूसरों को देंगे उतना हमारा बढ़ेगा, और जितना कंजूस होकर के अपने स्वार्थ में लगे रहेंगे उतना बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। जब ईश्वरीय धन संपत्ति लगातार घटती जावेगी तो अवस्था नीची होगी कि ऊंची होगी? नीची हो रही। इसमें नई बात क्या है? पवित्र बुद्धि में ज्ञान बैठती है, विजयमाला को पवित्र कहा है, रुद्रमाला को सच, विजयमाला को बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठती। जो पवित्र बुद्धि होता है वो तुरंत प्रैक्टिकल एक्ट में लाता है ज्ञान को। आपने थोड़ा गलत बोला। और जो अपवित्र बुद्धि होता है वो ज्ञान को बुद्धि से आलोड़न ज्यादा करता है। क्या? लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में धारण करता है? नहीं कर पाता है। तो पवित्र बुद्धि में और अपवित्र बुद्धि में ये भी अंतर है। रुद्रमाला के मणकों की विशाल बुद्धि हो सकती है, परंतु विशाल बुद्धि होने के बावजूद भी जन्म जन्मांतर की पवित्र बुद्धि नहीं कहेंगे। और
इसलिए प्रैक्टिकल पार्टी चाहिए। दुनिया में सब लोग क्या चाहते हैं, हैं? कोई ऐसे निकले जो दुनिया को प्रैक्टिकल में परिवर्तित करके दिखाए, परिवर्तन चाहते हैं। लेकिन परिवर्तन बिना प्रैक्टिकल के हो ही नहीं सकता। बाबा ने बोला जब लक्ष्मी आएगी तो शुद्ध जल सुनाएगी, लक्ष्मी आएगी जब शुद्ध जल। हाँ, जितने भी रुद्रमाला के मणके हैं उनकी जो बुद्धरूपी पाकेट है उसमें ज्यादा कचरा भरा हुआ है, या विजय माला की जो आत्माएं आएंगी उसमें ज्यादा कचरा भरा हुआ है? रुद्रमाला में कचरा ज्यादा भरा हुआ है। ज्ञान तो बहुत है, विस्तार को पाता जा रहा है और कचरा सत्यानाश कर देता है। और विजय माला की आत्माएं उनकी पॉकेट शुद्ध है, उसमें जो भी ज्ञान जल पड़ेगा वो तेजी से एक्शन लेगा। प्रैक्टिकल में यूनिटी स्थापन हो जाएगी, और जितना जितना यूनिटी स्थापन होती जाएगी, जो ब्राह्मणों की असली दुनिया है उसमें जय जयकार होगी, और जो नकली है उनमें हाहाकार बढ़ेगा। इतना क्रोध आवेगा कि एकदम उल्टे पलटे काम करने लग पड़ेंगे। जैसे घर घर से व्यवहार में होता है ना, जब ज्यादा क्रोध आता है तो क्या करने लग पड़ते हैं, पागल जैसे अपने परिवार के ही बर्तनों को तोड़ फोड़ करना शुरू कर देते हैं। हाँ, ठीक बात तो है, मुरली में बोला नहीं है, कन्याओं माताओं के मुख से ज्ञान जल अच्छा लगता है या पुरुषों के मुख से ज्ञान सुनना सुनाना अच्छा लगता है? कन्याओं माताओं के मुख से अच्छा लगता है, क्योंकि कन्याएं माताएं ही स्वर्ग का गेट खोलेंगी। हाँ, इतना जरूर है कि कन्याओं माताओं में परमपिता परमात्मा शिव प्रवेश नहीं करता है। शिव की प्रवेशता पुरुष चोले में होती है, और जिस पुरुष चोले में होती है उसका अंदर का रूप और बाहर का रूप सबकी समझ में नहीं आ सकता। इसलिए बोला है, बाप के अंदर के प्यार और बाहर के प्यार की बड़ी भारी युक्ति है। तुम बच्चे भी शंकर के पाठ को समझ न सको। लोग बड़े निश्चिंत होकर के बैठे हैं, भूखों को नहीं लगी क्या? ओम शांति।